हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जिस होटल के बारे में आपको बताता हूँ वो बेस्ट रिव्यू वाले होते हैं, जिसमें आप बिना किसी झिझक के आराम से जाकर ठहर सकते हैं और कम बजट में अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जिस होटल के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है अटलांटा बीच रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी बढ़िया रिजॉर्ट है और यहाँ पर आप रुक कर आप अच्छे तरीके से गोवा एंजॉय कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो आइए बात कर लेते हैं इस होटल में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन रूम मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। तो यहाँ पर रूम में आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आपको एसी हुआ, इसके अलावा आप देख सकते हैं टेबल चेयर भी पड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा रूम है, किंग साइज़ बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सर्विस भी आपको अच्छी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ का अगर आप बाथरूम देखेंगे तो आप बाथरूम टॉयलेट एकदम अच्छा सा बना हुआ है, क्लीन्ड है, और यहाँ पर गीज़र की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको फ्री कैंसिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप बुक कराते हैं और बाद में अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं एक दिन पहले तक। तो यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल, जो कि स्विमिंग पूल भी होटल के बाहर मौजूद है, उसका भी इंजॉय आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्री पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है और अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है और फैमिली रूम है, मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जाकर स्टे करके इंजॉय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूरी की, तो कंडोलिम बीच केवल 640 मीटर की दूरी पर है और कलंगुट बीच भी 640 मीटर की दूरी पर है, मतलब 5 से 7 मिनट में आप पैदल ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा बागा बीच वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल का चेक इन टाइमिंग है 12 PM और चेकआउट टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 40 रूम्स अवेलेबल हैं और स्क्रीन पर आपको इसका एड्रेस दिखाया जा रहा है। और इस होटल को बुक करने के लिए आप अगोड़ा ऐप का सहारा ले सकते हैं, booking.com और अगोड़ा ऐप से भी आप इस होटल को बुक कर सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा। और इसका चार्जेस आप देख ही रहे हैं, केवल 1300 रुपये में इस होटल को आप बुक कर सकते हैं। सारे फैमिली रूम्स आप अपनी फैमिली के साथ रुककर अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा जो सेकंड होटल है उसका नाम है दीमार बीच होटल, और ये आप देख सकते हैं ये होटल मेन रोड पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से कलंगुट बीच 5 मिनट भी नहीं लगते हैं आप पहुँच जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप इसके रूम्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर रूम्स हैं, कितना सुंदर बेड है, आप कितने बड़े बड़े रूम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो और बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। तो आप अच्छी तरीके से फैमिली स्टे कर सकते हैं यहाँ पर रुककर और गोवा एंजॉय कर सकते हैं। आपको रूम में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि वाईफाई हुआ, एसी हुआ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं सामने टीवी भी लगा हुआ है। तो और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पर आपको रहने में काफ़ी अच्छा फील होगा। साथ ही साथ नीचे ही पूरी मार्केट है, आप पूरी फुल मार्केट एंजॉय कर सकते हैं, चाहे जब बीच पर जाइए चाहे जब मार्केट घूमिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर स्टे करने के बाद। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो आप देख रहे हैं ये केवल 1500 रुपये में आप ये रूम आपको मिल जाएगा। ये 1500 रुपये आपको 27 जनवरी की बुकिंग के लिए दिखा रहा है, अगर आप दिसंबर एंड में या जनवरी शुरुआत में जाते हैं तो काफ़ी चार्जेस महंगे होते हैं सारे होटल्स के गोवा में। तो इसके आगे पीछे आप जाइएगा तो आपको इसी रेट में लगभग ये मिल जाएगा, ऑफ सीजन में तो और सस्ता मिल जाएगा आपको। इसकी चेक इन टाइमिंग और चेकआउट टाइमिंग 12 बजे और 11 बजे है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एयरपोर्ट ट्रांसफ़र फ़ीस 1400 रुपये है, तो आप 1400 रुपये में आपको एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए ट्रांसफ़र भी मिल जाता है। कलंगुट बीच केवल आधा किलोमीटर भी नहीं है और यहाँ पर बागा बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये इसका एड्रेस है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल मेन रोड पर है, तो आपको ईज़िली यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और ये मैं आपको बेस्ट रिव्यूज़ वाले होटल ही दिखा रहा हूँ, तो सारे रिव्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे रिव्यू हैं, आप वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हो या ऐप में देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फ्री वाईफाई, कार पार्किंग, बार, सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और फ्री होने पर आप बालकनी में खड़े होकर भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो इस होटल को भी आप अगोड़ा
ऐप से या फिर booking.com से बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट होटल की, जो कि रिजॉर्ट है। इसका नाम है बीच साइड एसी अपार्टमेंट रिजॉर्ट। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह बेहद ही खूबसूरत है। ये रिजॉर्ट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप इसकी सुंदरता देख सकते हैं। आप इसके स्विमिंग पूल देखिए कितना ब्यूटीफुल है। पूरा होटल ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके रूम्स आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। आपको यहाँ पर स्टे करने के बाद बहुत ही अच्छा फील होगा। और सारे फैमिली रूम्स हैं और इसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है। आप लोग 4 लोग स्टे कर सकते हो रूम में, 5 लोग भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको किचन भी मिलेगा, पूरा अपार्टमेंट आपके लिए है। और यहाँ पर आप बालकनी का एंजॉय भी ले सकते हैं। साथ ही साथ रूम में देखिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं आपको। काफ़ी बड़ा रूम है, हॉल है। इसके अलावा देखिए अलमीरा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है। तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सोफ़ा है, किचन सेट है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके रिव्यू बहुत ही सुंदर हैं, तो मैंने रिव्यू सारे चेक किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप आराम से बुकिंग करके आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा इंटायर अपार्टमेंट मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें 2 सेमी डबल बेड्स हैं। इसके अलावा यहाँ का जो बाथरूम है वो भी नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको। और पूरा रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आपको गार्डन भी है, किचन भी है, बीच फ्रंट भी है, स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं आप। यहाँ पर फ्री टाइम में आप बालकनी पे भी इंजॉय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ से बीच कितना दूर है। तो कलंगुट बीच केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं कंडोलिम बीच 790 मीटर की दूरी पर स्थित है। और बागा बीच लगभग 1.45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सारे बीच पास में हैं। आप यहाँ पर रुककर किसी भी टाइम बीच इंजॉय करने जा सकते हैं। और कलंगुट और कंडोलिम बीच आप पैदल ही जा सकते हैं। और इसका चेक इन टाइमिंग है 12 PM और चेकआउट टाइमिंग है, इसका चार्ज है 2,240 रुपीज़, जो कि सीजनली अप एंड डाउन होता रहता है। ये जो आपको जो चार्ज आपको बताया है, ये है लगभग 15 जनवरी के बाद का, क्योंकि इससे पहले काफ़ी होटल सारे ही महंगे होते हैं। तो आपको 3 होटल बताए हैं वीडियो में, तीनों ही ज़बरदस्त हैं। आप किसी भी होटल में जाकर ईजिली रुक सक और आपको वहाँ पर स्टे करने में किसी भी होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गोवा जाइए, फुल फैमिली के साथ जाइए, पूरा एंजॉय करिए, खूब घूमिए फिरिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।